हम हाजिर हैं दोबारा वार्ड नंबर 30 में, कुछ यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हैं, तो हम उनसे बात करना चाहते हैं कि उनको क्या लगता है इस वार्ड में कि वार्ड नंबर 30 में उनको किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं या किस तरीके की परेशानियां हैं। आप लोगों को क्या परेशानी लगती है? तो मकान के लिए पैसा भी नहीं मिला, हमारा मकान पूरा मकान अच्छा, तो आवाज का आपको फायदा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, नहीं बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे हम बिल्कुल देखेंगे। और उसके अलावा क्या क्या परेशानी? पानी नहीं मिलता, पूरी गर्मी में प्यास है, मतलब इधर उधर जाते इधर उधर भी पानी नहीं मिलता हमको, पानी की दिक्कत होती है, पानी की दिक्कत होती है, नालियाँ इतनी गंदी होती है, पानी नहीं मिलता तो नालियाँ पूरे कचड़े गंदगी से। अच्छा, गाड़ी नहीं आ रही अभी, हफ्ते भर से कभी आती कभी नहीं आती। तो आप लोगों ने कभी इस चीज़ की सूचना नगर पालिका को यानी तो पार्षद जो होंगे पुराने, तो उन लोगों को बताया है अपने परेशानी है? बताया ना, पार्षद को बुलाते हैं जी, तो बोले हम क्या करें, बोले अब गाड़ी खराब होगी कहीं कुछ हो गया। तो आप लोगों को मतलब सुविधाएं नहीं मिल रही हैं कुल मिला के? गर्मी भर और अभी ठंड में सब में परेशान रहते हैं, हमेशा परेशान, मतलब पानी की हमेशा परेशानी होती है, उसका आज तक निराकरण नहीं हो पाया, हर गर्मी में परेशानी होती है। और इसके अलावा सफाई वगैरह की? सफाई क्या, हमारी रोडों पे हम ही झाड़ते हैं, रमादानी आती नहीं है इधर। अच्छा, आप ही लोग करते हैं सफाई? किस तरीके का आप प्रत्याशी चाहते हैं अभी, क्योंकि चुनाव है आप लोगों के सामने, आप लोगों का वक्त है कि आप लोगों को चुनना है कि कैसा प्रत्याशी चाहिए, कौन होना चाहिए, आप लोगों ने कुछ दिमाग बनाया है कि किस तरीके का प्रत्याशी आपको होना चाहिए, किस तरीके का पार्षद आप चाहिए आप लोगों को? भाई तो हम पढ़े लिखे नहीं, इतना बोलना भी नहीं आता है हमको, तो ये खड़े हुए झाड़ू वाले हमको उनको ही चाहिए, जो हमारा वार्ड में जो खड़े हुए हैं उनको नहीं बोलना। आप अच्छा, तो बताएं क्या 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 बोल रहे हैं आप? हम अपने वार्ड का विकास चाहते हैं और कर्मठ कर्मचारी चाहिए जो हमारे वार्ड का विकास कर सके, ऐसा नहीं कि पैसे वालों को देखे गरीबों को नहीं देखे, दोनों को एक बराबर ले, पैसे वाला और गरीब दोनों को एक बराबर ले। तो मतलब इस तरीके का प्रत्याशी आपने? लाइट जलती है, फोन जाता है एक मिनट में चालू हो जाती है, गरीब 10 बार जाता चिल्लाते रहता है उसके बाद लाइट चालू नहीं होती। तो आप लोगों ने जहन बनाया है कुछ किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए? इस बार नया लाएंगे हम, बदलाव करेंगे, बिल्कुल बदलाव करेंगे, पार्टी का प्रत्याशी लाएंगे हम, जो बरसों से समाज का कार्य करते हुए आ रहे हैं, सफाई का काम करते हुए आ रहे हैं, शिक्षित हैं, जमीनी स्तर के लोग हैं, काफ़ी समय से समाज की सेवा करते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को ही जिताएंगे। वो काफ़ी समय से समाज का कार्य करते हुए आ रहे हैं, गरीबों की समस्या सुनते हुए आ रहे हैं, हमेशा वो समाज के हित में ही कार्य करते हैं। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग भी आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप लोगों को भी लगता है कि उनके आने से कुछ फर्क हो पाएगा? बिल्कुल, जब दिल्ली बदल गई तो हमारा मोहल्ला क्यों नहीं बदलेगा, क्या बात। तो मतलब आप लोगों ने प्रण कर लिया एक तरीके से, निर्णय ले लिया है कि मतलब हमें दिल्ली बनाना है, हमारे वार्ड को, हमारे वार्ड को हमें दिल्ली बनाना है, हमारे यहाँ कोई सर्विस तो नहीं है, हमें गरीबी रेखा का कार्ड भी नहीं है हमारे पास, मतलब आप लोगों को दिक्कतें, ये सारी दिक्कतें हैं, मकान की बहुत दिक्कत है, आप तो चल के देख लो हमारा मकान। आइए हम मकान भी देखते हैं, आवास योजना का लाभ अब हम देख रहे हैं हर जगह, अब एक जगह और देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। हमारा मकान बनने चाहिए। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं आप लोग? अच्छा, देखो आप भी हमारे कमरा पूरा पानी आता है, पूरा ऐसी पड़ा है, कोई सुविधा नहीं है, पूरा ऐसे पड़ा, पूरा पानी आता है और ये मतलब यहाँ तक पानी नहीं आता। अच्छा, आप लोगों ने आवास योजना के लिए आपने कभी एप्लीकेशन वगैरह आवेदन लगाया है? हाँ। क्या बोला गया आप लोगों को? वो बोलते हैं तुम्हारे पेपर नहीं है जमीन के, अब हम कहाँ से बनवाए, हमारे ससुर के नाम जमीन है क्या जी? सर नहीं, जमीन है लेकिन इतफाक से पेपर नहीं है हमारे पास पिताजी के नाम से, इसलिए कुछ हो नहीं रहा है। तो उसका हमारे पास कोई साधन नहीं, हम क्या करेगा था, तो हमारा कोई घरेलू वो नहीं है विवाह जी, जगह अपनी है, जगह में रह रहा हूँ, मतलब आपकी पुश्तैनी जगह है ये? हाँ। तो पुश्तैनी जगह मतलब आपकी जगह है? आपकी है ना, फिर भी मकान नहीं है, हमको कोई सुविधा नहीं मिली, नामांतरण नहीं हो पाया, नामांतरण ठीक है। आप लोग बाकी मतलब नगर पालिका को आपने इस चीज़ की सूचना दी? अभी सूचना है पार्षद को दी हुई है। पार्षद आपके क्या क्या मतलब उन्होंने क्या बोला है? उन्हें ये पेपर बनवाने का बोला है, इन सब में तो होना चाहिए।
आप लोग वार्ड नंबर 30 के हैं? हाँ, वार्ड नंबर 30 का हूँ। अच्छा, आप वार्ड 30 में? जी। अभी चुनाव है, आप लोगों को मालूम है ना? जी हाँ। तो कैसे प्रत्याशी उतरे हैं, कौन कौन सी पार्टी के, आपको मालूम है? यहाँ क्या समस्याएं, क्या लगती हैं, समस्याएं हैं कुछ यहाँ? समस्याएं बहुत हैं सर। किस जैसे के कौन सी समस्या? रोड नाली कचरा साफ करेंगे। हाँ, बहुत समस्या है। अच्छा, दो लाख रुपये, ढाई लाख रुपये वो नहीं मिले। आवास योजना नहीं मिली, आज तक नहीं मिली किसी को, नहीं किसी वार्ड नंबर 30 में नहीं मिली। 5 साल 10 साल होगा, नहीं मिली किसी को भी। नहीं मिला? नहीं नहीं मिला अभी कुछ लोगों। दो लोगों को मिला, दो तीन को मिला है, दो चार पाँच जनों को बस, दो तीन लोगों को मिला है। अच्छा, और उसके अलावा? और समस्या है, जो पार्षद आए, अच्छा हमारे सुनील भाई पार्षद है, शारदा सुनील यादव यादव, उनको वो सक्षम है बिल्कुल। कौन सी पार्टी से? आप पार्टी से। अच्छा, आप ऐसे लोगों को जाएंगे? जी हाँ, ऐसे लोगों को। क्यों? शहर का विकास हो, भारत का विकास हो, पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, तो आप मतलब आप लोगों ने अपना मन बनाया? जी हाँ, अपना मन बनाया, भारत वासियों का मन यही है। कारण? कारण अच्छे व्यक्ति हैं, पहले भी घाट की साफ सफाई जो की उन्हें सब कुछ करवाया। आपको लगता है कि मतलब इससे पहले मतलब जो रहे हैं या नहीं, तो अभी जो हैं वर्तमान, जिसको कहना चाहिए, अब तो नई परिषद बनेगी? नई परिषद तो अभी नई परिषद बनेगी, वो तो अलग बात है, लेकिन पुरानी परिषद में काम कैसे हो गए? पुरानी परिषद काम बेकार हुए, कुछ नहीं हो पाया। किसी गरीब को झोपड़ी नहीं बनी आज तक, आप लोगों को सुविधाएं नहीं मिली? मतलब मकान बनाया, झोपड़ी, उसको झोपड़ी नहीं बनी, वो उनको 2.5 लाख नहीं मिले, किसी को नहीं मिले 2.5 लाख। अच्छा, तो आप लोग चाहेंगे मतलब बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए सर। आप चाहेंगे बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो सभी चीज़ में होना चाहिए जी, सुविधाएं मतलब मिलनी चाहिए। क्यों नहीं भाई, जो शासन देता है तो उसकी मिलना तो चाहिए। अब मान लीजिए हम अंगूठा हैं, हमको कोई जानकारी नहीं है, आप जब तक नहीं बताओगे हमें कौन सी योजना मालूम, गरीबी रेखा का मतलब क्या है? मतलब योग उम्मीदवार होना चाहिए, योग भी उम्मीदवार होना चाहिए, कम से कम जो आगे रह के रहा दिखा है भाई, जो सक्षम में पढ़ा लिखा वो तो सब कुछ कर लेता। अब मान लीजिए हम ही नहीं जानते पढ़ना लिखना, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे जानकारी नहीं है कुछ, ऐसे उम्मीदवार मतलब यहाँ पर खड़े हुए हैं। 2 महीने से लाइट नहीं जली, 3 मरतबा पार्षद को बोल चुके के लगे जीतेंगे निकालती हूँ, जीतेंगे जब लाइट। अच्छा, साफ सफाई नहीं होती, सफाई वाले बहुत कम आते हैं, और मेरे पूरे नाली करती हूँ मैं। अच्छा, मतलब साफ सफाई की दिक्कत है यहाँ पर? फोन लगाएंगे जब भी कोई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 5 साल हो गया, टपरी हमको भी पैसा नहीं मिला, लोग आओ का मुंह देख देख के पैसा दे रहे हैं, नगर पालिका वाले, नगर पालिका में जाते सुनवाई नहीं होती। तो आप लोग चाहते हैं मतलब कुछ बदलाव होना चाहिए? कुछ बदलाव हो जाएगा, उन लोग जीत जाएंगे तो हमारा बदलाव कर देंगे, नहीं तो भगवान भरोसे तो बैठे ही है भैया, क्या कर रहे हैं? मतलब आपको लगता है कि अच्छे प्रत्याशी आना चाहिए? अच्छे हो जाएंगे उन लोग, हो जाएंगे उन लोग का कामयाब हो जाएंगे, हमको भी कामयाब कर दे तो अच्छा। किस तरीके के प्रत्याशी चाहते हैं आप? पढ़ा लिखा वो शानदार शारदा सुनील यादव झाड़ू, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। अच्छा, आम आदमी के समर्थक हैं? बिल्कुल, आम आदमी समर्थक है। और ये बनवाए इनके मकान बन जाए, दादी के मकान बन जाए, हमारे तो पट्टे भी नहीं है, लोगों के मुंह देख देख के बोलते कि इनका पट्टा आ गया, उनका आ गया, पट्टे वालों को पैसे दे रहे हैं। जिसका एक बात बता मुझे, जिसका पट्टा नहीं है तो भैया वोट भी मत लो, हमारे पास पट्टा नहीं है तो वोट भी मत। आपने इससे पहले जो पार्षद रहे हैं, यानी तो जो लोग रहे नगर पालिका में, जो लोग रहे उन लोगों को बताया आपने? सब लोगों को बताया कि भैया हमारा पट्टा नहीं है, हम कैसे कैसे रह रहे हैं, हमने चार गली से कैसे कैसे पैसे कमा के लाए, हमारी टपरिया सुधारी, हमने हमारे बच्चों का पालन पोषण करते हैं, मेरा आदमी भी नहीं है, औरत भी नहीं है, नई आदमी और नई औरत। ठीक है, तो ये परेशानी है, ये आपको ग्राउंड रिपोर्ट जायजा जो है वो आपको ये बता रहा है कि मतलब कि यहाँ पर किस तरीके की परेशानी है। हम और भी लोगों से बात करेंगे और भी देखेंगे किस तरीके की परेशानी है। 5 साल हो गए, ये पट्टे ना कच्चू कच्चू भी नहीं है, तो बहुत संगीन लगा, पूरा विकसित हो गया है लोगों का। कोई पहले जिस गली में घुसता नहीं था, अब तो उसमें जाने में मतलब चोरी हो गई है, नंबर हो गई, मतलब आपके मतलब वार्ड 30 में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, हम लोगों को मकान तक नहीं बने पूरे चुनाव। 20 साल हो गए किराए से रह रहे हैं, 22 साल हो गए किराए से रहे थे, हमको कुछ नहीं मिला, योजनाओं का लाभ नहीं मिला, भी नहीं मिला, पता ही नहीं कौन सी आ रही कौन सी नहीं आ रही, योजना है ही नहीं यहाँ। तो मैं 61 साल का हो चुका हूँ, मैं 61 साल का हो चुका हूँ, अभी मेरे को पेंशन लेना बहुत बड़ी मुश्किल से, मैं चक्कर लगाया जब वो भी नहीं मिली, अभी बैंक में ही पड़ी। आश्वासन मिला है मतलब? नहीं, आश्वासन मिल गया कि आपकी आ गई है। देख लीजिए कि ये स्थिति है वार्ड की, वार्ड नंबर 30 में खड़े हैं, वार्ड नंबर 30 की ये परेशानी है। हम और भी देखते हैं और भी किस किस तरीके की यहाँ पर दिक्कतें हैं। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।